हाय दोस्तों, कैसे हैं? अभी मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ, निफ्टी लेके आया हूँ। और कल का निफ्टी कैसे रहेगा 25 तारीख को, इसमें अपना व्यू लेके आया हूँ। जैसे कि कल आपको मैंने बताया था कि 10,050 से 10,200 के बीच में रेंज करेगा, तो निफ्टी लगभग वही रेंज किया है। अगर मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाऊँ तो आज ये ओपन हुआ 10,285 पे, ऊपर की ओर गया। हाई भी 10,200 वही हाई लगाया, उसके बाद तो हाई लगाया नहीं उसने, और 10,127 का लो भी बनाया। बट आपको मैंने आपको जैसा बताया था कि वो 10,108 को तोड़ेगा नहीं, और 10,050 उसके बाद है, तो 10,108 को ही नहीं तोड़ा इसने, और 10,224 का क्लोजिंग दिया। अच्छी बात ये है कि जो क्लोजिंग है 10,102 का की जगह लास्ट कल के जगह आज 127 का लो बनाया था, अपर साइड है। कल की क्लोजिंग है तो कोई निगेटिव क्लोजिंग कल देगा नहीं, कल भी 40-50 पॉइंट ऊपर दिखा करके आपको क्लोजिंग कर देगा। 10,250 के आसपास हो सकता है कि कल की क्लोजिंग आपको दे दी। चलिए पहले आज एक बार देख ले मार्केट आज क्या बोलता है। आज आप देखेंगे निफ्टी 10,224.75 पे क्लोज हुआ है, 77 पॉइंट का गेन दिखाया है, 0.77% का गेन है। एडवांसेस 31 शेयर्स हैं जो एडवांस में हैं, और 19 स्क्रिप्ट हैं जो लॉस में हैं। उसमें से जो गेनर हैं वो गेनर है मेन जो गेनर है बजाज फाइनेंस 11% के साथ हाईएस्ट, जो अच्छा खासा गिरावट देखा गया था इसमें NFBC के अन्न के चक्कर में उसका जो हुआ था। भारतीय एयरटेल में एक अच्छा गेन दिखाया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम क्रूड जैसे गिरा है तो आपको मालूम है इसके लिए IOC क्रूड दोनों में अच्छा खासा गेन दिखाया। मेटल सेक्टर भी इसके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा था। गिरावट किस में देखी गई है तो बजाज ऑटो और यस बैंक। यस बैंक निगेटिव नहीं है, इसको यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। डॉक्टर रेड्डी निगेटिव है। ग्रासिम आज ही वीडियो दिया मैंने, अगर ये 798 का लेवल तोड़ता है तो ये अच्छा खासा आपको लॉस दिखाने को 665 तक जा सकता है। और अदानी पोर्ट्स नहीं भाई, ये 2-4 दिन में बढ़ा था तो आज गिरा था। ये रहे आपके मेन मैक्सिमम गेनर और लूजर। अगर मैं इसमें इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स में सभी सेक्टर ने गेन दिखाया है और विक्स एज इट इज लो दिखाया है। मैं हर समय बताता हूँ विक्स लो होता है तो वो गेन होता है, गेन होता है। और ऐसे भी इसको अब क्लोजर है तो क्लोजर देने के लिए 10,250 की क्लोजिंग या 10,275, 10,200 से 10,300 के बीच में इसको क्लोजिंग देना है तो उसी रेंज में वो कुछ प्लस माइनस करके दिखाई देगा। तो अच्छा खासा आज मिड कैप सेक्टर में निफ्टी मिड कैप में अच्छा खासा गेन देखने को मिला, और निफ्टी 100 में भी अच्छा खासा गेन देखने को मिला। अगर मैं सेक्टर में वाइज सेक्टर वाइज बात करूं तो सेक्टर में आप देखेंगे कि सारे निफ्टी बैंक ने अच्छा गेन दिया है, ऑटो ने भी कंट्रीब्यूट किया, फाइनेंस सर्विस 1.3 हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन दिया है, सबने दिया है। फार्मा छोड़ के, फार्मा में थोड़ा नेगेटिव देखने को मिला अपने को। और रियलिटी कंटिन्यूअस रियलिटी सेक्टर में जो है आप सोभा डेवलपर का है, चाहे वो आपके DLF देखिए कल सोभा IB रियलिटी कंटिन्यूअस, OB रियलिटी कंटिन्यूअस कल भी दी थी आज भी दे रहा है। तो ये सब गोदरेज प्रॉपर्टी भी गेन में दिया है, सोभा डेवलपर्स आपको पता है ये भी गेन में चल रहा है, DLF भी अभी कंटिन्यूअस उठ रहा है। तो ये सब यहाँ पे जो सेक्टर है उसके गेन पे है। तो यहाँ पे अच्छा खासा निफ्टी रियलिटी 2-4 दिन से अच्छा खासा प्लस में चल रहा है। अगर निफ्टी 50 की बात करें, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में देखिए एडवांसेस 31 है और डिक्लाइन 19 है, तो एडवांसेस ज़्यादा है। उसमें बजाज फिनसर में 249 पॉइंट का गेन 11.97% से, भारतीय एयरटेल ने 25 पॉइंट का गेन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 13 पॉइंट का गेन, IOC में 7 पॉइंट का गेन, और हिंडालको में 11 पॉइंट का गेन, बजाज फिनसर में 212 पॉइंट का गेन। तो ये सब अच्छे खासे गेन है। आयसर मोटर में 371 पॉइंट का आज गेन दिया है। और जैसा मैंने आपको बोला था टाटा मोटर्स में कुछ होने जाने को है नहीं, तो टाटा मोटर्स आपको रेड में ही दिख रहा होगा, और ये देखिए वापस रेड में ही दिख रहा है। तो लूट तो चुकी है WBI इसकी, तो इसको तो दिखेगा ही। ICICI बैंक आज पहली बार निगेटिव दिया क्योंकि इसने क्रॉस तो किया अपने 50 डेमा को, क्रॉस तो 200 डेमा से कंपेयर में क्रॉस तो किया था, बट आज गिरावट थोड़ी मोड़ी देखने को मिली। गिरावट मत समझिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये एक बार 335-340 तो दिखाएगा आपको, लेकिन 330 का हाई भी बना लिया था इसने, तो लगता है इसके लिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है इसमें ICICI में आई है। मारुति में देखिए तो मैंने आपको मारुति में बता ही दिया था, आज तो TV न्यूज़ मीडिया पे भी था कि इसको बाय करना है, लेकिन मैंने आपको कल ही बता दिया था कि एक क्रूशियल लेवल को तोड़ा है तो आपको 6500, 6300, 6100 दिखाएगा, तो आप वेट कीजिए। ये सब कुछ छोटे छोटे इसमें जो आज हाई टाटा मोटर्स ने आप देखेंगे यहाँ पे तो जो तोड़ा है, हीरो मोटर कॉर्प ने 27 पॉइंट तोड़ा है, ग्रासिम ने 17 पॉइंट तोड़ा है। ग्रासिम में पहले से निगेटिव था, आज आपको वीडियो भी ग्रासिम पे दिया हुआ है तो आप इसको भी देख सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी 53 पॉइंट तोड़ा है, और अब सबसे ज़्यादा बजाज ऑटो ने तोड़ा है। ऑटो सेक्टर आज नेगेटिव रहा था, इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट से ओपनिंग हुई है।
हम चले तो क्या आप कॉल पुट में क्या दिख रहा है? आप ये देखिए, ये 25 अक्टूबर का है, 10,224.75 पे क्लोजिंग हुआ है 24 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर कल एक्सपायरी है मार्केट की। तो आप देखेंगे इधर पुट साइड में आपको सब रेट दिख रहा है, और कॉल साइड में देखेंगे इस रेंज में ही सिर्फ गेन दिख रहा है, बाकी सब जगह रेट दिख रहा है। नीचे भी रेट एट द मनी, और थोड़ा आप देखेंगे बिलो अप टू, यहाँ पे आप देखिए 9,700 तक आपको गेन दिखने को मिल रहा है, बाकी सब में आपको निगेटिव भी देखने को मिल रहा है। तो अगर हम देखें आज यहाँ पे क्या चला है, तो आप देखिए 10,400 पे भी अंडर राइटिंग ये हुआ है, सेल हुआ है आपको। और यहाँ पे देखें तो 10,350 में राइटिंग हुआ है, 10,300 पे 191, 1,91,000 शेयर का राइटिंग हुआ है, 28 लाख और 30 लाख जो बचा है, 10,300, 10,400, 250 पे 2,65,000 का राइटिंग हुआ है। अब एक्चुअली क्या, आप कोई यहाँ पे कल भी अब जो करेगा ना थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए, तो मान लिया आप नवंबर पे चला गया, तो बेहतर होगा आप 10,300 का कॉल नवंबर का या 10,250 का कॉल नवंबर कर लेंगे, तो ज़्यादा फायदेमंद आपको रहेगा कंपेयर टू अगर आप कल के लिए एक्सपायरी के लिए दिसंबर इसको अक्टूबर को सोचते हैं। तो फिर भी अगर आपको अक्टूबर में खेलना है तो एक छोटे से दायरे में खेल सकते हैं, 10,200 से 10,300 के बीच में आप रह सकते हैं। आप 10,200 पे देखेंगे तो आप देखेंगे पुट में एडिशन हुआ 5,42,000 शेयर का और 27 लाख शेयर का टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है। और सबसे ज़्यादा 10,000 पे आज भी एडिशन हुआ 5,99,000 शेयर का 42 लाख, तो आज भी लोगों को डोजर्स निगेटिव में लगता है कि पुट की ओर जाएंगे, ये कुछ होगा नहीं, ये निगेटिव ही जाएगा, ये यहाँ तो जाना नहीं है 10,000 अभी। तो कल भी आपको थोड़ा मोड़ा गेन दिखेगा, तो आप 10,250 का कॉल अगर आप देखें तो आपको 10 रुपये पे मिल रहा है, आपको 40 रुपये पे मिल रहा है 10,250 का, आप इसको लेके देख सकते हैं। आपको कल मैंने दिया था 10,200 का लेने के लिए, अगर आप लिए रहते तो आज आपको 20 रुपये का गेन मिलता है आपको, तो वैसे माइनर गेन मिलेगा आपको, 10 रुपये का गेन मिलेगा ऐसे भी कल भी। और आपको अगर लेना ही है, अगर आपको अच्छा खासा गेन दिखाना है, तो आपको एट द मनी लोअर पे लेना पड़ेगा, तो 10,100 का लेंगे या 10,050 का कॉल लेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कल देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे लोअर साइड में ज़्यादा आपको गेन मिलता है। तो फिर भी आप अगर चाहें तो 10,000 के कॉल को भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, 66 रुपये में बहुत बड़ा तो है नहीं, तो वो ऊपर की ओर गया तो यहाँ पे वैल्यू आपको तुरंत निकलने को मिल सकता है। विक्स भी थोड़ा लोअर ही दिखा रहा है, और एक बार अगर आप मार्केट को देखें SGX निफ्टी, तो ये देखिए अच्छी खासी रिकवरी के साथ ये 10,183 लो बना करके 10,271 का हाई बना के 10,200 पे खेल रहा है। तो 10,200 से 10,300 का कल अपना भी रेंज रहेगा। अगर मैं इंडिसेस की बात करूँ तो डो जोन्स एज इट इज हर समय निगेटिव ही दिखाते रहता है, बाद में रिकवरी कर लेता है। कल शाम को भी आप देखे 160, 200, 360 के पॉइंट का निगेटिव था, बाद में रिकवरी कर लिया था इसने, ये तो निगेटिव दिखाने दीजिए इसको, क्या करेंगे, इसकी आदत सी हो गई लगता है कुछ। और अब INR में देखे तो 73-22 इसका गेन चल रहा है अपना, USD रुपया का मजबूत हो रहा है अभी थोड़ा मोड़ा। कॉमोडिटी में देखे तो ब्रेंट क्रूड ने ही सबसे ज़्यादा अपने को फायदा दिया था, ये वापस थोड़ा सा मजबूती दिखा रहा है, लेकिन आप समझिए कि ये कहाँ से 80 हो रहा था, फिर 78 आया था, वहाँ से सीधा 2 रुपये गिर गया था, तो यहाँ से वापस अगर ये गिरता है, और जो गिरना ही है इसको, तो आप देखेंगे यहाँ से गिर के वो वापस आपको 72 तक जा सकता है। तो आप यहाँ पे भी ऊपर लेवल पे इसको शॉर्टिंग कीजिएगा ब्रेंट ऑयल को, तो भी फायदा है। तो ऑयल सेक्टर वापस कल के लिए अच्छा रहेगा, एशियन पेंट अच्छा रहेगा, एशियन पेंट पर अगर किसी की बाइंग है तो होल्ड करें, कल वो आपको वापस 30-40 पॉइंट गेन दिखाएगा आपको एशियन पेंट, तो वो सब सेक्टर कल अच्छा परफॉर्म करेगा। और कल के जो निफ्टी का रेंज रहेगा वापस आपको वही बताया, आपको चार्ट पे जो देख रहे हैं हम, तो चार्ट पे यही दिख रहा है अपने को, आज की क्लोजिंग 10,224 पे भी है, तो 10,200 से 10,300 का रेंज कल भी रहेगा ये एज इट इज। तो अच्छा ट्रेंड ये है कि यहाँ से जो इसने एक लो लिया था, लोअर बनाया था 10,102 का, वहाँ से अप बनाया है एक बार 10,127 का। तो अगर यहाँ क्लोजिंग की बात करें तो 146 से सीधा 285 पॉइंट, तो 140 पॉइंट का तो कुछ ओपन वो जब दिया था तो ओपनिंग में हाई दिया था, तो सुबह अगर जिसने शुरू शुरू में निकाल लिया होगा तो अच्छा रहेगा। और अगर इसके लो के कंपेरिजन में बोले तो लो के कंपेरिजन में वापस 125 पॉइंट बनाया था, तो पुट साइड भी दिया होगा, तो दोनों साइड में इस जिसने भी लिया होगा दोनों साइड में फायदा हुआ होगा, बट अल्टीमेटली ये लास्ट में जाकर के जो क्लोजिंग दिया है वो पॉजिटिव साइड में दिया है, तो हम इसको पॉजिटिव भी मानते हैं। हम बेहतर रहेगा आप नवंबर के कॉल पे अभी ट्रेडिंग करें इंस्टेड ऑफ अभी आप कल के क्लोजिंग, क्योंकि नवंबर में सबसे ज़्यादा आपको ट्रेडिंग डेज भी मिलेगा,
तो बेहतर रहेगा। लेकिन कल का जो टारगेट रहेगा 10-200 से 10-300 के बीच में रहना चाहिए। ये सारे जो भी डिस्कशन हो रहा है ये एजुकेशनल पर्पज से डिस्कशन है। अगर किसी को अपनी पोजीशन बनानी है कहीं पे भी बनानी हो तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके बनाए और डिस्कस करके बनाए। पेपर ट्रेडिंग आप कभी भी कर सकते हैं। नीचे दिए हुए बटन को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल बटन को प्रेस करें और जितने लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉरवर्ड करें और कमेंट्स लिखें। अगर आपको लगता है कोई कमेंट्स देना इम्प्रूवमेंट है तो कमेंट जरूर से ज़रूर लिखें। और आपका दिन अच्छा रहे। धन्यवाद।